इतनी तेज कब से होने लगी पुलिस? बड़े साहब, ये अगू के नस्वा का केस है, इसमें पुलिस को तेजी दिखानी पड़ती है। और अगर उसने आप लोगों के खिलाफ बयान दे दिया, चाहे उसमें बाप हो, बहन हो, बेटी या भाई, कोई भी नहीं बचेगा। ले चलो इसको। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह करेगा वो खैरियत से घर आएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसने की जरूरत नहीं है भाई के खिलाफ बयान देने की। अरे तो उसने मारा क्यों उसको, क्यों नहीं समझाती हो तुम उसको? अम्मा भी कुछ आगे समझा देने की क्या जरूरत थी? ये हमारे ऊपर कूद कूद के पड़ते हैं मारने के लिए, हमें काट खाने के लिए। चलो इसे बकवास बंद कर गया, घर में छुप के बैठ गया। तू बोला हम तलाश नहीं कर सकते तेरे को। चलो देखो उसको ले जाओ और जाके लॉकअप में बंद कर दो। इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो तू बकवास बंद नहीं करेगा। ले जाओ इसको बंद कर दो। और हाँ, इसकी थोड़ी खिदमत खातिर टायर करके करना, सबको चुगलेगा भी। ले जाओ इसको। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे फोन करने दे, ऐसा करने से क्या होगा? हो सकता है मेरा फोन करने से आपका फायदा हो जाए। तो तू बकवास बंद नहीं करेगा, क्या चीज का फायदा होगा, किस चीज का फायदा होगा? ले जाओ इसे, बंद कर दो। ले जाओ इसको, कराता हूं मैं इसका फोन। मेरी बात बंद करो इसे। देख लिया तुम सबने, इस मनहूस की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आज तक किसी थाने की सूरत नहीं देखी थी, अब कचहरियों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। हथकड़ी लगवा दी मेरे बेटे को उसने, मनहूस मारी मर क्यों नहीं जाती ये? ये कोसों का वक्त नहीं है शकीला। वैसे भी हुस्ना बेहोश पड़ी है अस्पताल में, अभी तो हमें ये सोचना चाहिए कि तारिक को हम कैसे छुड़ाएं, वरना पुलिस तो बहुत सारे केस उस पर डाल देगी। हाँ आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे इन पुलिस वालों को तो बहाना चाहिए, किसी को भी पकड़ के ले जाते, किसी को भी जेल में डाल देते और मारना पीटना शुरू कर देते है कि नहीं है? हाय मैं क्या करूँ, क्या करूँ, किससे बात करें? आप घर में क्यों बैठे हुए हैं? जाए जाके थाने में किसी से बात करें ना, किसी पुलिस वाले से बात करें। सबसे पहले हुस्ना को समझाना होगा, अगर उसने बयान दे दिया कि तारिक भाई ने उसे मारा है, तारिक भाई को जेल हो जाएगी। तो हमारी गलती है ना, तारिक ने कहा कि वो गुसलखाने से फिसल गई थी, मैंने कहा कि वो सीढ़ियों से फिसल गई थी। हमें पहले तय कर लेना चाहिए था कि भाई हमें कहना क्या है पुलिस, जब हमारे बयान में तजाद होगा तो पुलिस तो पकड़ेगी। अरे मुझे क्या पता था कि ये डायन जाके पुलिस को बुला देगी। तुम लोग परेशान ना, बेफिक्र हो, उससे अपने भाई के खिलाफ बयान नहीं देगी, और अगर वो उसके हक में बयान देगी तो किसी की मजाल नहीं है कि वो तारिक को जेल भेज सके। अब ये ज्यादा नाटकबाजी करने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। उसने तो बढ़ चढ़ के चिल्ला चिल्ला के पुलिस को तारिक का नाम दे दिया, अब बड़ी आ गई है खैर हुआ बनती हुई। अगर दिल में इतनी ज्यादा मोहब्बत थी ना तो उसे कुछ जाने क्यों दिया उसको? आपने तारिक को गिरफ्तार करवाया और अब बड़ा प्यार जता रही है? बस कर दे अम्मा भी, बस कर दे, खुदा के लिए ये ड्रामेबाजियां ना करें। तो हुस्ना पे जुल्म भी तो तारिक ने इतना किया था, उससे उसकी हालत देखी नहीं गई? पुलिस को हुस्ना ने नहीं, मैंने तारिक का नाम दिया था। मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत तड़प रही थी, लेकिन तारिक भी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जितना प्यार मैं हुस्ना से करती हूँ उतना ही तारिक से भी करती हूँ। खुदा की मार लानत पड़ेगी हुस्ना को, पता नहीं पुलिस वालों ने मार मार के मेरे तारिक का क्या हशर कर दिया होगा। मैंने सुना है पुलिस वाले बहुत मारते हैं, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस इस तरह तशद्दुद नहीं करेगी। कोई तारिक पर डकैती या चोरी या कत्ल वतल का इल्जाम नहीं है, एक आम सा घरेलू मसला है। बस हमें करना ये चाहिए कि हमें अपना बयान एक सा रखना चाहिए, कोई कुछ ना कहे कि वो वहां से फिसल गई, मैं कुछ कह रहा हूँ तुम कुछ कह रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस अब हुस्ना को समझाना है कि वो पुलिस को क्या बयान दे। खालिद बेटा चलो अस्पताल चलते हैं, मैं हुस्ना को समझाऊंगी कि कैसा बयान दे। आ जाओ बेटा। अम्मा भी, मैं भी चल रहा हूँ साथ में। जा जा बेटा जा।
ये अबू के रसवा का केस है, इसमें पुलिस को तेजी दिखानी पड़ती है। इतना परेशान क्यों हो रहा है यार? तुम कहो तो मैं साफ से बात करता हूँ। कैसी बात? कुछ इंतजाम कर दो तो मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन ये तो कत्ल भी किया हो ना तो सब सेट हो जाता है। पैसे में बड़ी ताकत है। पैसा फेंक, तमाशा देख। एक फोन कॉल करा दो। नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो? प्लीज सीधी लेटी रहो, पुलिस आ गई है तुम्हारा बयान लेने। परेशानी की कोई बात नहीं, तुम पे जो कुछ गुजरी है इन्हें सच सच बता दो। अब तबीयत कैसी है? हम लोग कल रात भी आए थे लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने मेरे भाई को क्यों पकड़ा हुआ है? वो बेकसूर है। हमें मालूम हुआ था कि आपके भाई ने आपको जान से मारने की कोशिश की, लेकिन उसने आपको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बस खुदा ने आपको जीने की और मोहलत दे दी और आप बच गए। नहीं नहीं, वो गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सीढ़ियों से गिरी हूँ। देखो तुम डरो नहीं, अब तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम किसी खौफ और डर की वजह से अपने घर नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम आपको दारुल अमान भेज देंगे, वहाँ आप बिल्कुल महफूज रहोगी। नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरा भाई बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दें। तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई हो। खैर, तुम अपना तफसीली बयान लिखवा दो। जी सर। देख लिया तुमने, इतनी मामूली सी बात थी और बात पुलिस और गिरफ्तारी तक पहुंच गई। ऐसे मामूली लड़ाई झगड़े ना हर किसी के घर में होते रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, पुलिस वालों को बुला लेते हैं। अच्छा नहीं कि अम्मा भी ने और कल्लो ने, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। घर की इज्जत कली कुचों में नलाम होती है, भाई को गैरत ना है, ये कैसे हो सकता है? पुलिस खुद तो कुछ करती नहीं, और अगर मुझ जैसा गैरतमंद भाई कुछ करे तो उसे हथकड़ी पहना देते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक किया है, कुछ गलत नहीं किया। आखिर तुम उसके भाई हो, उसकी इज्जत की रखवाली अगर तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? पड़ोसी। अभी तो मैंने उसे मारपीट कर छोड़ दिया, लेकिन आइंदा के बाद अगर उसने ऐसी हरकत की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, और ना ही उस कलीम को। काट कर फेंक दूंगा सारे। पागल तो नहीं होगे तुम? अपनी जिंदगी को दांव पे लगाओगे? अब अगर इस घर के आसपास भी मुझे कोई नजर आया ना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। बता देना उस कल्लो को कि अगर वो ये समझ रही है कि मैं पुलिस के खौफ से खामोश रहूंगा और उसे कुछ भी करने दूंगा, ये भूल है उसकी। मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द उससे किसी के पल्ले बांध दो और इस घर से चलता करो उसे। देखो जब तक इस घर में गंध रहेगा ना, मक्खियां तो मंडलाती फिरेंगी। हाँ हाँ, लेकिन रिश्ता भी तो आए। अब बताओ भला, जो भी उसके लिए रिश्ता आता है ना, अम्मा भी उसमें कीड़े निकालने शुरू कर देती हैं। अब इन महारानी के लिए कोई शहजादा थोड़ी आसमान से टपकेगा। मैं करता हूँ इस सिलसिले में अम्मी अबू से बात, वरना मेरे हाथों से किसी का खून हो जाएगा। अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा। अम्मा भी उसका तो बड़ा साथ निभा रही है, दोनों ने मिलकर तुम्हें पकड़वा दिया। ना वो अस्पताल जाती और ना ही सब कुछ होता। चलो, अब फिर इस मनुष्य ने इस घर में कदम रख दिया, अब देखना
कैसे फसाद और लड़ाई झगड़े होंगे। बड़े सुकून से आराम से दो चार दिन गुजरे। ये तुम लोगों की मुंह फिटकार क्यों बरस रही है? तीन दिन अस्पताल में रह के आइए, इस तरह इस्तेमाल किया जाता है बीमारों का? हाँ तो और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? फूल पत्तियां निचावर कर दूं मैं इनके लिए? आप बोले तो मैं ढोल ताशे लेके खड़ी हो जाती हूँ, भंगड़ा डालने लगती हूँ। ढोल ताशे बनाने जाने को किसने कहा है? कमबख्त औरत, अरे इस घर की बेटी है, किसी से इतनी तौफीक नहीं हुई कि भर कर पूछे कि खैरियत तो है? दूसरी जिंदगी मिली है इसको। अरे मुझे तो इसकी शक्ल से नफरत हो गई है। मनहूस कहेगी हमारे मोहल्ले में हमारी इज्जत का सत्यानाश कर दिया। क्या पुलिस वाले मोबाइल में बिठा के लेके जा रहे थे ना मुझे? पूरा मोहल्ला इकट्ठा था, अजीब अजीब की बातें कस रहे थे हम पे। एक बात बता रही हूँ सबको, आज इस घर में या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। अपना नाम नहीं खराब करूंगी मैं। हाँ जब मेरे को अलग घर हो जाए ना तो फिर मुझे बुला लेना। अरे बदबख्तो, दो मिनट इसको चैन से तो बैठने दो, आते ही काट खाने को दौड़ गए। अरे बिन माँ की बच्ची है, अगर ये बद्दुआ लगी ना तो कभी चैन से नहीं रह सकोगे। बद्दुआ लगेगी इसीलिए मैं अपना सामान और बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से भागने लगी हूँ। इनके सब कदम जो पड़ गए यहाँ पे, अल्लाह की पनाह है। देख लिया, देख लिया, मैं कह रही थी ना अभी कि इसके घर में दाखिल होते ही फसाद शुरू हो जाएगा। वो ही हुआ, घर में फसाद शुरू हो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे बाहर में जाओ तुम लोग, तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे पास बैठा जाए। उठ बेटा, इस काबिल नहीं इनके पास बैठा जाए। तो ले जाए इसको, जा रहे हैं। अरे ये दवाइयों का पलंदा जो मुफ्ते में उठा के लाई थी ना, ले जाए इसको भी। मेरे सर पे रख के चली गई थी। एक उठा के दूंगी ना मुंह पे तो मुंह फूट के उधर जाएगा। कब बहुत जबान दराज, बड़ों का ध्यान से ना छोड़ोगा। देख लिया, देख लिया तुम लोगों ने, बुढ़िया पागल हो गई है। कितनी जान है इसमें है? वैसे खाने पीने चाटने में ये बैठ जाती है, इनमें जाने नहीं होती, कमजोरी बड़ी होती है बेटे के सामने। अब पीछे से कैसे हाथ उठा उठा के मटका मटका के मुझे मारती है। तो फिर ठीक है, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। ओहो, अरे क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गई हो तुम? मैं पागल हो गई हूँ? तारिक आपको क्या हो गया है? पुलिस आपको पकड़ के ले गई, वो मोहतरमा दंदनाती भी वापस आ गई। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देख सकती हूँ। उसकी शक्ल देखती हूँ ना तो मेरा दिल चाहता है मैं उसका गला दबा दूँ। और आप कह रहे कि मैं पागल हो गई हूँ? इस घर में या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी। देखो मोना, मुझे तुमसे ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मैंने उसे बर्दाश्त किया ना, तुम भी उसे बर्दाश्त कर लो। मैं क्यों बर्दाश्त करूं? मैं सारी जिंदगी उसकी बातें बर्दाश्त करती रहूं? जब भी मैं उसकी शक्ल देखती हूं ना, मेरा खून खौल उठता है। एक बात मेरी कान खोल कर सुनो, वो तब तक इस घर में है जब तक अम्मा भी, समझे? और अम्मा भी सारी जिंदगी तो रहने वाली है। तुम अपनी दादी के बारे में इस तरह से बात कर रहे हो? दादी है तो क्या हुआ, हुस्ना को उन्हीं ने सर पे चढ़ा रखा है और वो उन्हीं की शह पे उछलती फिरती है। तुमने मुझसे अपने दिल की बात कही है ना, तो मैं भी अपने दिल की बात कह देती हूँ। मुझे तुम्हारी दादी से कोई खास लगाव नहीं है। जब देखो हुस्ना हुस्ना करती रहती है तो तंग आ गई। वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। अच्छा ठीक है, तो दिनों की बात है, फिर हम अपने घर में चले जाएंगे ना। जब से कल्लो पैदा हुई है एक दिन भी इस घर में खुशी का नसीब नहीं हुआ। मनूस मारी पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अब हमारे लिए जिंदगी अजाब कर दी है उसने। किस किस्म की बातें कर रही हो शकीला बेगम? अपने दिल को नरम करो, रहम लाओ। वैसे भी बेटियों के लिए सख्त रवैया रखना अच्छा नहीं होता। और जहां तक कल्लो का ताल्लुक है, तुम खुद जानती हो कि वो बेचारी क्या करे, बिन माँ की बेटी है, बिन माँ की, उसे तो माँ चाहिए ना। वो कुछ कहती है ना कोई फरमाइश करती है, जो पहना दो पहन लेती है, जो खिला दो खा लेती है, कभी कुछ नहीं कहा। घर का सारा काम वो करती है, फिर खिदमत करती है तुम्हारी। तुम्हें उससे अल्लाह वास्ते का बैर? हाँ हाँ, मैं ही उसकी जान की दुश्मन हूं ना, मुझ में कीड़े नजर आते हैं आपको, और उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। वो जो कुछ करती फिरती है, मेरे मासूम बच्चे की जिंदगी अजाब करके रख दी है उसने, हमारी इज्जत को दांव पे लगा दिया उसने, पूरे मोहल्ले में मेरे बेटे को रुस्वा कर दिया है। नहीं,
बस अब आपको फैसला करना होगा। मैं एक दिन भी उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या करूं, जवान बेटी को घर से निकाल दूं, क्या कहेंगे महल्ले वाले, माशरा मुझ पे थूतू करेगा, तो ऐसा बर्दाश्त करूं तो उसका रिश्ता आएगा, मैं ब्याह दूंगा भाई। परेशान नहीं, अच्छा नहीं होता इस तरह से। हाँ, जब तक उसका रिश्ता आएगा हम सब लोग कुड़ कुड़ के मर चुके होंगे। और रिश्ता आए भी कैसे, अम्मा भी तो किसी को टिकने नहीं देती। रिश्ता बाद में आता है और बाहर का रास्ता अम्मा भी पहले दिखा देती हैं। वो ये समझती हैं कि कल्लो कोई हूर परी है, उसके लिए आसमान से कोई घोड़े पे बैठ के शहजादा आएगा और उसको ब्याह कर ले जाएगा। आप किसी की जबान पे हुज्जा का नाम आया ना तो उसकी जबान खींच लूंगी, समझ गई? और तारिक ने उस पे हाथ उठाया ना तो मैं उसके हाथ पांव तोड़वा दूंगी, पुलिस को बुलवा लूंगी। इस दफा तो मैंने माफ कर दिया है, लेकिन आगे नहीं, अब मैं माफ नहीं करूंगी। मैं सबको जेल भिजवाऊंगी, एक एक को बंद करवाऊंगी। हाँ हाँ, कराएं जेल में बंदी, हाँ कराएं पुलिस में रिपोर्ट। आप, हम पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। और वैसे देखा जाए तो हमने किया क्या? हाँ, मैंने तुझ जैसी नीच कमीनी औरत आज तक जिंदगी में नहीं देखी। अरे मेरी हुसरा की जिंदगी अजाब कर दी है, और इस उम्र में घर से जाने की बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? और तू क्या कर रहा है? तेरे बीजों का पानी ढक गया है? तुझे नजर नहीं आ रहा कि दो टके की औरत ने तेरी माँ की कितनी बेइज्जती की है, तेरी बेटी को जलील करती है, इतना जुल्म ढाती है, उसको जलील करती है, और तू मुंह में घुंघनी डाल के ना बस बैठा रहता है, देखता रहता है। क्या करूं अम्मा, क्या कर सकता हूं मैं, मुझे आप बताएं। हुस्ना में कोई तो ऐसी बात होगी ना कि जो लोग उसके दुश्मन बन गए। वो ऐसा मौका ही क्यों देती है कि लोग उसके खिलाफ बात करें। उसकी तरफदारी ना किया करें अम्मा, उसकी तरफदारी ना किया करें, उसे समझाएं। वो हमारी गैरत को ललकार रही है, कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि किसी रोज गुस्से में। किसी की हिम्मत है कि कोई आंख उठा के मेरी हुस्ना को देखे तो मैं तो आंख निकाल लूंगी। और अगर तारिक ने दोबारा उसको मारा ना तो मैं उसको जान से मार दूंगी, समझी? कब अल्लाह, मेरी तो किस्मत ही खराब थी। बेटा, मैंने सबको डांट फिट कर दिया है, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम पर कोई हाथ उठाए। और अगर किसी ने कोई हाथ उठाया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। रहने दे अम्मा भी, आप क्यों रचती हैं इनसे, ऐसे आपकी जान के दुश्मन हो जाएंगे। मुझे अपनी परवाह नहीं है बेटा, लेकिन मैं तुम पे जुल्म होते नहीं दे सकती। किस किस्म का भाई है, गैरत के नाम पे बेगैरती करता है, बहन को मारता है, ये किस किस्म की गैरत है? भाई है मेरा, शायद उसे गलत फहमी हो गई कि उसकी बहन गलत रास्ते पे चल निकली है। भाई बहुत हसास होते हैं ना बहनों के मामले में, शायद इसलिए उसे गुस्सा आ गया। मेरी मासूम हुस्ना, मेरी भोली हुस्ना, तुम जुल्म सहती रहती हो और फिर भी उनकी तरफदारी करती रहती हो, इतनी अच्छी क्यों हो तुम? ये सब तो अपने ही है ना, शायद मुझसे ही गलतियां हो जाती हैं। कोई तुम्हें अपना नहीं समझता, सब जूते की नोक समझते हैं तुम्हें। मेरा अपना बेटा मेरा नहीं रहा, उसका हो गया है, सिर्फ उसी की सुनता है, मेरा तो देखता भी नहीं है। पता नहीं क्या जादू किया है उसने कि वो उसी का होके रह गया है। अगर मेरा बेटा मेरी सुनता ना तो उस बस जबान औरत से मुझे कुछ सुननी ना पड़ती। मैं पीर साहब के पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि कोई तावीज करे कि मेरा बेटा मेरा ही हो जाए, उसके दिल में मेरे लिए रहम पैदा हो जाए और बेटी के लिए प्यार जाग जाए। ऐसी दुआ कर दे अल्लाह। Thank you.
अब क्या हो गया? अबे तारिक आ रहा है यार। मैं तो डरता क्यों है इससे? कब तक डरते रहेंगे इसके सामने आने से? अबे यार खामखा दुश्मन बना हुआ है। मैं तो बात करना उसे, कोई चक्कर उकर चला, बस बताना उसको गलत फहमी हो गई थी। अबे फड्डा हो जाएगा खामखा यार। मैं तो बात करते हैं उससे, डरता क्यों है? कोई खानदानी दुश्मनी थोड़ी हुई है। तारिक भाई सलाम अलैकुम। तू तारिक भाई आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज यार गुस्सा मत करना यार। बोल यार। तारिक भाई मोहल्ले का बच्चा हूँ, आपके घर का बच्चा हूँ, आपके घर में खेल कूद कर जवान हुआ हूँ यार। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो माफ कर दे तारिक भाई यार, प्लीज यार। तारिक भाई गुस्सा मत हो यार। अरे ये क्यों सर पकड़ के बैठी है, क्या हो गया? बस कर दे, बहुत बीमारी काट ली तूने। बस बहुत हो गया आराम, अब उठ के घर के काम काज कर, उठ जा। हाँ उठ जाओ। एक हफ्ते से ना ये गंदे कपड़े पड़े हुए हैं और ये आधे बाकी के नीचे पड़े, उठ के इनको धो दो, चलो। मैं धो देती हूँ कपड़े, कल धो दूंगी, आज हिम्मत नहीं। अरे क्या किया तूने जो तुम्हें हिम्मत नहीं है तेरे अंदर? उठ बहाने ना कर, बड़ी बीमारी लेके बैठी है। मामूली सा बुखार ही चढ़ा है ना, तो इस बीमारी में बुखार चढ़ने पे क्या लेट जाते हैं, आराम करते हैं? हैं भाई मैं भी जवानी में बीमार हुआ करती थी, पूरे घर के काम किया करती थी, तुम्हारी तरह बहाना करके बिस्तर नहीं संभाल लेती थी मैं। नहीं अम्मी मैं बहाने नहीं कर रही, चक्कर आ रहे हैं, उठ के खड़ी होती हूँ तो बहुत बहुत चक्कर आते हैं। मैं कल धो दूंगी सारे कपड़े। चक्कर आ रहे? ओ, महारानी को चक्कर आ रहे? अरे चक्कर तो आएंगे, जब पूरी दुनिया में चक्कर चलाती फिरोगी तो चक्कर तो आएंगे। काम भी कर लो कुछ। नहीं मौका करना काम। चीजां सच्ची तुमसे चीजां चला भी नहीं जाता, तुम इतने कपड़े धोगे होश में तो? और तुम्हें ठेका नहीं ले रखा इन महारानियों के कपड़े धोने का? अम्मा भी आपको बीच में बोलने की ना ज्यादा जरूरत नहीं है, जब देखो तो इसकी हिमायत करती रहती है। ठीक हो चुकी है ना, तो अगर काम कर लेगी घर के तो आफत नहीं आ जाएगी। तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं क्या, तुम अपने कपड़े धो नहीं सकती? तो इसके हाथ नहीं टूट जाएंगे अगर ये मेरे थोड़े से कपड़े धो देगी तो? आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इतना तो मेरा हक बनता ही है। बस कर बेटा बस कर, क्यों दिमाग खराब कर रही है? इनके मुंह ना लग, इतनी गजबर की लंबी जबान है इनकी भी। हाँ। ना मुंह लग, और ये जो कल्लो है ना ये इसी की सरचड़ी है। खबरदार जो उसको कल्लो कहा, कल्लो होगी तू, हजार दफा कहा उसका नाम हुस्ना है हुस्ना, लेकिन काली जबानों में हुस्ना लफ्ज चढ़ेगा ही नहीं, तो कल्लो ही आएगा। देख लिया, देख लिया कितनी लंबी जबान है और कितनी ताकत से बोलती है। अभी बेटा घर में आएगा ना, हाय हाय शुरू हो जाएंगी। चलो चलो कोई नहीं धोएगी कपड़े, ले जाओ अपने कपड़े धोएगी ले जाओ। हाय ना मेरे कपड़े उठा के जमीन पे फेंक दिए, चूहे घूमते हैं यहाँ पे। हाँ काट के कपड़े सारे, देखा क्या हरकतें करती फिर रही हैं ये बड़ी भी। चल चल जरा, अरे को बताऊंगी मैं, मरना भूल गई हैं आप तो। निकल 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 यहाँ से। हर वक्त मेरी बच्ची से काम करवाते थे, तबीयत देखते है ना कुछ देखते। अबे कहाँ गायब हो गई इतने दिन, अब तो तुम नजर ही नहीं आती। हम यहाँ बैठ के तुम्हारे इंतजार में जल बुन के कबाब हो रहे होते धूप में। पता है हुतना ना बहुत बीमार है, उत्ते भाई ने उत्ते बहुत माला है, उत्ते धन में धंधामा थला हो दिया। हम तो इतने दिन थे इसी वजह से नहीं निकले, आज डालने उत्ते धल। अबे बाढ़ में जाए हुसना, ये क्या कहानी लेके बैठ गई तू? मैं तेरा हाल पूछ रहा हूँ, तू हुसना का हाल बता रही है? अबे दफा मार हुसना को, जाओ फिर मिलते हैं। मोना बेटा जी, कल सुगी खाला अपनी बहन के साथ खालिद के रिश्ते की बात करने आ रही है। बेटा घर में इतना काम फैला हुआ है, सोफे के और बिस्तर के कुशन धोने हैं, सारा घर साफ करना है, कुछ पकाना है, तो जरा उठ जाओ थोड़ा सा काम कर लो। मैं? अम्मा भी मैं घर के काम करूं? घर के काम काज तो हुस्ना करती है ना, तो आप उससे कहिए मुझसे क्यों कह रही हैं? बेटा हुस्ना बीमार है, अभी वो इस काबिल नहीं है कि कोई काम कर सके। दो दिन मसलसल काम करने से ना उसको फिर से हरारत हो गई है, कमजोर हो गई है वो बेटा।
वो अभी इस काबिल नहीं है कि वो और काम करे। अभी और काम करेगी ना तो वो बिस्तर से लग जाएगी। क्यों उस मजलूम पे तुम जुल्म करती हो? अभी वो काम नहीं कर सकती, समझ गई? काम करना उसके लिए ठीक नहीं है। आपकी तो चहेती है, आप तो करेंगी इस तरह की बातें उसको बचाने के लिए। देखिए अम्मा भी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ और ना ही मैं नौकरों जैसा काम कर सकती हूँ। ये बात मैंने शादी के पहले ही कह दी थी। और अपने घर में तो आज तक मैंने एक रुमाल तक नहीं धोया। बेटा काम तो करना है, मेहमान आ रहे हैं, घर फैला पड़ा हुआ है, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो क्या सोचेंगे? जो भी सोचे, मैंने इस घर का ठेका तो नहीं उठाया बाना। शर्म करो बेटा, लड़की हो और औरत हो, घर गृहस्थी का काम तो औरत का जेवर होता है। और जो औरत काम नहीं करती घर का, वो औरत कैसे कहला सकती? अम्मा भी, इस किस्म की फजूल बातें मत करें आप। अब का दौर बदल चुका है, आजकल की बहुएं नौकरानी बनकर घर में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। आपको जो भी काम है हुस्ना से कह दीजिए, मैं नहीं करूंगी। हुस्ना काम नहीं करेगी, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। फिर वो काम करगी तो वो बिल्कुल मुर्दा हो जाएगी। जो कुछ भी काम है वो तुमने करना है, समझ गई तुम? अम्मा भी को क्या हो गया है? आपको पता मुझसे आके क्या कहने लगी? बेटा जरा कपड़े धो देना। मैं मर के भी किसी के कपड़े नहीं धोने वाली। मैंने अपने घर में आज तक कभी कोई भी काम नहीं किया। तुम्हें पता है कल्लो ने बीमारी का बहाना किया हुआ है, डॉक्टरों ने जरा सा मशवरा किया, दे दिया आराम करने का, वो तो बिस्तर के साथ ही चिपक के रह गई है। बस अम्मा भी उसकी हमदर्दी में बावली हुई चली जा रही है, इसीलिए बेटा तुम्हें कह दिया होगा। जो भी है, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर में कोई भी काम नहीं करूंगी। उस बुढ़िया को समझा दीजिएगा कि मेरे मुंह ना लगे, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा, सारा काम तुमने थोड़ी करना है, तुम अपने साथ कल्लो को लगा लेना, ज्यादा काम उसको देना और थोड़ा सा तुम लेना। अब देखो ना, घर में मेहमानदारी है, मेहमानों की खातिर तवाजा भी तो करनी है ना, अब किसी ना किसी ने तो काम करना है, थोड़ा सा कर देना, अम्मा भी फसाद खड़ा नहीं करेंगी। मुझे पता था कि आप यही कहेंगी। तारे को आने दीजिए, मैं उनको सब कुछ बताऊंगी। आप भी उनकी तरफ बोल रही है ना? नहीं 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 नहीं, मेरी बच्ची इधर आ, तू कहाँ जा रही है? इधर आ ना। तो अच्छा तू ऐसे कर, तू रहने दे, बस तू निगरानी कर, सारा काम कल्लो को कह देना, वो करेगी, बाकी मैं देखी। हाँ, और तू? बस जी बहुत हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, तंग आ चुकी हूँ उस घर में, मेरा जीना जीरण हो चुका है, कभी कोई मसला कभी कोई झगड़ा। आपके बेटे ने मुझसे शादी से पहले एक बात कह दी थी कि अगर मैं शादी के बाद इस घर में खुश ना रही तो मुझे अलग घर लेके देगा। आज वो दिन आ चुका है, लेके दे, मैं जा रही हूँ। नहीं, नहीं, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरे बच्चे इधर आओ, इधर आओ, जा, तू ऐसे करना, जाके कमरे में आराम कर बेटा, मैं सब काम देख लूंगी। और तुम देखना, मैं सारा काम कल्लो से ही कराऊंगी, हद होती है, आज लड़के वालों ने आना है तो अम्मा भी उसको आराम का मशवरा दे रही है। हाँ मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, हाँ सारा काम देख लूंगी मैं, जाओ मेरी बेटी, जाओ जा तू आराम कर। हाँ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हुस्ना की तबीयत बेहतर हो गई। अरे दोपहर को तुम निढाल हो गई थी, मुझे तो हौल उठने लगे तुम्हें देख देख कर। अम्मा भी अब तो तबीयत बेहतर है मेरी, मैंने घर के छोटे मोटे काम भी शुरू कर दिए, आज रात का खाना भी बनाऊंगी मैं। हाँ बेटा, ये घर तुम्हारे दम से चलता है, तुम बीमार हो गई थी तो सारा घर चौपट हो गया था, कोई चीज नहीं मिल रही थी, सब अलट पलट हो गया था। आप फिक्र ना करें अम्मा भी, अभी तबीयत कुछ बेहतर होगी ना और तो सारा घर संभाल लूंगी मैं। आपको तो पता है मुझसे बगैर काम के बैठा नहीं जाता, अच्छा लगता है मुझे घर का काम करना। हाँ बेटा, मेहमान भी तो आ रहे हैं, कल सुगी अपनी बहन जमूरत के साथ खालिद का रिश्ता तय करने आ रही है। मैंने तो मुन्ना को कह दिया घर की सारी झाड़ पहुँच उसने करनी है, तुम उसकी मदद कर देना। आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगी सब। मैंने कह दिया उस नवाबजादी को, इस घर में रहना है ना
तो काम करना पड़ेगा। पलंग तोड़ने के लिए नहीं लाया हम उसे। अम्मा भी क्या जरूरत थी, भाभी को कामकाज की आदत नहीं है, उन्होंने तो शायद भाई को चाय का कप तक बना के नहीं दिया। मैं देख लूंगी सब। शर्म तो आती नहीं उससे, बेशर्म कहेंगी। शौहर मजाजी खुदा होता है, उसकी खिदमत करने की आदत होनी चाहिए। उसकी खिदमत नहीं करेगी तो जन्नत में कैसे जाएगी? और वो बेशर्म शौहर, बेगैरत, वो तो जोरू का गुलाम बना हुआ है। छोड़े ना अम्मा भी, रहने दें। ये सब शह तुम्हारी माँ की दीवी है, वो है तुम्हारी दुश्मन। उसी को देख कर ना बहू ने भी तुझे नौकरानी समझना शुरू कर दिया है। छोड़े ना अम्मा भी ये बातें, रहने दें। वैसे भी तो घर का सारा काम मैं ही संभालती आई हूँ, भाभी को ना कहे, मैं कर लूंगी सब। हाँ मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह परवरदार मुखलिस। हीरा है तो हीरा, लेकिन ये पत्थर तुझे पहचान नहीं सके तो कदर क्या खाक करेंगे। काश तुझे पहचान सकते हो तेरी कदर कर ताकत आएगी। अच्छा था शकीला बहन, मेरी तरफ से बात पक्की समझे। आपको तो पता है नाहिद मेरी इकलौती बेटी है और उसके अब्बू के बाद मैंने उसकी बहुत नाजों से परवरिश की, और मुझे तो लग रहा है आपके घर में उसे अपने घर जैसा सुकून मिलेगा। हाँ क्यों नहीं, मेरी तरफ से भी बात पक्की समझो। चलो अभी बहुत बहुत मुबारक हो सबको। ऐशुगी मुँह तो मीठा करा। हाँ हाँ ये हाँ भाई ये लो, मुँह मीठा करो। बस अब आप शादी की तैयारियाँ शुरू करो। हाँ मेरा ख्याल है यही मुनासिब रहेगा। तो फिर मंगनी की तकलीफ अगले हफ्ते रख दी जाए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इतनी जल्दी नहीं, ऐसा करते हैं इस महीने के आखिरी जुमे को रख लेते हैं तकरीब। यही मुनासिब रहेगा। बल्कि क्या ख्याल है कि जुमे वाले दिन हम मंगनी के बजाय निकाह कर लेते हैं और रुख्सती भी ले लेंगे। जुमे का दिन वैसे भी मुबारक रहेगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं शकीला बहन, एक ही एक तो बेटी है मेरी, सारे अरमान पूरे करूंगी मैं। हाँ ये तो ठीक है, मगर मैं शादी में देर नहीं करना चाहती। हाँ हाँ तो जल्दी ही करेंगे शादी, ऐसा करते हैं मंगनी की तकरीब में ही रुख्सती की तारीख तय कर लेंगे। ये मुनासिब रहेगा।